This video is sponsored by JLCPCB.com. So JLCPCB is the world largest manufacturer of PCBs in China. So if you want to make high quality professional PCBs from China, visit JLCPCB.com. Link in the description. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिस इज माज गिलानी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि इन्वर्टरों का आजकल दौरा, हर बंदा कोई ना कोई इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहा है। तो आज की वीडियो में आज आपको सिखाने वाला हूँ, बनाकर दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल का मिनी इन्वर्टर। इस इन्वर्टर का फायदा यह है कि इसको आपने डीसी वोल्टेज देने हैं 250-300 वोल्ट और ये आपको एसी वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये बहुत ही कमाल का ब्रिज वाला जो है इन्वर्टर हमने छोटा सा जो है बनाया है, इसको माइक्रो इन्वर्टर भी कह सकते हैं और मिनी इन्वर्टर भी कह सकते हैं। इसका फायदा बहुत है, इसके लिए कोई बैटरी वगैरह की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्लेटों से जो है आप कोई भी चीज के ऊपर चला सकते हैं। तो आज हम इसको बनाएंगे भी, टेस्ट भी करेंगे। तो आज की वीडियो में जो पीसीबी भेजी है, तो ये भेजी है जी जेएलसी पीसीबी ने, आप देख सकते हैं ये है जी बहुत ही कमाल की पीसीबी जेएलसी पीसीबी की तरफ से। तो आप अगर अपने लिए बहुत ही कमाल की पीसीबी डिजाइन करना चाहते हैं या मंगवाना चाहते हैं, आप विजिट कर सकते हैं जेएलसी पीसीबी को। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जेएलसी पीसीबी का, और वहां से बहुत ही कमाल की पीसीबी बनवा सकते हैं। तो आज हमारे पास टोटल 10 पीस भी हैं, तो इनमें से हमने एक को मुकम्मल रेडी करना है कि इसको चेक करना है इसको किस तरह बनाना है मुकम्मल इन्वर्टर को, इसलिए कौन कौन से कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना है और इसको किस तरह बनाना है। उम्मीद है आज की वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली है आपको। अगर आपको पसंद है इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। टाइम को ज्यादा जाया नहीं करते, शुरू करते हैं इसको बनाना। So guys, first of all, I show you how to order your PCB from JLCPCB.com. You have to go at JLCPCB website and you can see that you can press this instant quote now button. And here is the page of where you can check your PCB parameters like dimensions, layers and PCB quantities and other parameters you will add according to your need. And after you done, you can add your Gerber file. And after Gerber file, you can add your shipping address and save to cart. When you save to cart your PCB, you can secure to check out from this website. तो लीजिए जी, यहाँ पर आ चुका है जी हमारे पास एक हफ्ते के बाद जेएलसी पीसीबी का बॉक्स, और बॉक्स के अंदर आ चुकी हैं जी हमारी पीसीबी हैं। याद देख सकते हैं जैसे ऑर्डर करते हैं आपको हाई क्वालिटी प्रोफेशनल पीसीबी हैं एक पैकिंग के अंदर मिलती हैं, और टोटली 10 पीसीबीज आई हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने कमाल की क्वालिटी हमारी पीसीबी के अंदर हमें मिलती है। यानी कि आप कोई भी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर से दें जो कि आप बनाकर अपना फाइल जो है कंपनी को दोगे, तो आप अपने हिसाब से लोगो डिज़ाइन करवा सकते हैं इस पीसीबी के ऊपर, कुछ किसी भी तरह की प्रिंटिंग वगैरह करवा सकते हैं। बड़ी कमाल की हाई क्वालिटी जो है पीसीबी वहाँ से बनकर आती है। तो पीसीबी बनाने के लिए मेरे पास कुछ कंपोनेंट्स है जिसके अंदर मैं ये ट्रांसिस्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके बाद कुछ वेरिएबल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करूँगा, और उसके बाद कुछ जो है हीट स्लीव्स का इस्तेमाल करूँगा जो कि हमने इस्तेमाल करनी है, उसके बाद कुछ ICs का इस्तेमाल करूँगा जो कि हमने ड्राइवर के तौर पर इस्तेमाल करना है, उसके बाद SG3525 एक IC है जो फ्रिक्वेंसी के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद कुछ डायोड्स हैं, और उसके बाद कुछ रेजिस्टेंस वगैरह कैपेसिटर्स वगैरह वो हमने इस्तेमाल करना है। तो सब के नाम आपको जो है आ रहे होंगे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और कुछ जो है रेजिस्टेंस हैं जिसके अंदर 470 ओम है, 10K है, इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की रेजिस्टेंस जो है हमने इसके अंदर इस्तेमाल करनी है, और ये अभी 100K मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उसके बाद 470 UF का 50 वोल्ट में कैपेसिटर भी है, 10 ओम की रेजिस्टेंस भी है। तो सबसे पहले अब ये काम कर लेते हैं, हम अपने सारे के सारे कंपोनेंट्स को जो है अपनी पीसीबी के ऊपर इंसर्ट कर लेते हैं, क्योंकि सारे कंपोनेंट जो कि हमारे पीसीबी के ऊपर दिख रहे होते हैं सेम हमने कंपोनेंट जो है अपने पीसीबी पर इंसर्ट करके इनको सोल्डरिंग कर देना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं डायोड्स वगैरह की फिटिंग कर रहा हूँ, उसके बाद कैपेसिटर्स की बारी आ चुकी है, उसके बाद ICs की और रेजिस्टेंस की बारी आ जाएगी, उसके बाद दोबारा रेजिस्टेंस फिट करो, उसके वेरिएबल वगैरह को भी फिट कर लेना हमने, उसके बाद बकाया जो है सब चीज़ों को इंसर्ट करने के बाद हमने इनको करना है अच्छी तरह सोल्डरिंग। सोल्डरिंग करते वक्त आपने बस ये ख्याल रखना होता है कि आपने अच्छी सोल्डरिंग करनी होती है, क्योंकि अच्छी सोल्डरिंग से आपके जो है कंपोनेंट्स लूज़ नहीं रहते। जब तक आपकी अच्छी सोल्डरिंग नहीं होगी आपके कंपोनेंट्स लूज़ हो जाएंगे, और अगर आप हाई वोल्टेज के अंदर काम कर रहे हैं तो हाई वोल्टेज के अंदर कंपोनेंट लूज़ होने से स्पार्क हो सकता है, स्पार्क होने से जो है सर्किट भी ब्रेक हो सकता है, सर्किट ख़राब
ख़राब हो सकता है, आग लग सकती है या कुछ भी नुकसान हो सकता है। उसके बाद मैं हीट सिंक वगैरह एक्टिवेट करने लगा हूँ जो कि हाई टेम्परेचर ग्लू है उससे, और हाई टेम्परेचर ग्लू के बाद मैं इसका बाद आप देखेंगे हमारा सर्किट तकरीबन रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी हमारा तकरीबन रेड सर्किट हो चुका है जी रेडी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बेहतरीन तरीके से खूबसूरत लुक आई है हमारे सर्किट की। और अब बारी आ चुकी है इसको टेस्ट करने की, तो हमने इसको टेस्ट भी ज़रूर करना है। तो लीजिए दोस्तों, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो है पीसीबी हो चुकी है रेडी, और ये रेडी होते ही आप देख सकते हैं हमने इसके ऊपर हीट सिंक भी लगाया था। इसके बाद सिलिकॉन ट्यूब से अच्छी तरह हीट सिंक को जोड़ने के बाद हमारी कंप्लीट पीसीबी रेडी होगी। इसके बाद मैंने एक एलईडी इंडिकेटर भी इसका एक्स्ट्रा लगा दिया ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर पावर आ रही है या नहीं। तो अब बारी आ चुकी है दोस्तों इस छोटे से मिनी इन्वर्टर को टेस्ट करने की, आखिर ये सही काम कर रहा होता है या नहीं। इस मिनी इन्वर्टर का फायदा ये है कि आपने डीसी वोल्टेज इन करना होता है और आउटपुट पर आपको उतने ही एसी वोल्टेज कन्वर्ट करके दे देता है। ये ना बढ़ाएगा ना कम करेगा, आप जितने वोल्टेज देंगे उतने वोल्टेज ये कन्वर्ट कर देगा। तो इसके लिए टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने स्पेशल वायर बनाई हुई है, तो ये स्पेशल वायर है जो कि हम 220 वोल्ट में लगाएंगे। ये 220 वोल्ट से इसके साथ कैपेसिटर और डायोड लगा हुआ है, ब्रिज लगा हुआ है। ये 220 वोल्ट से हमें जो है डीसी 220 वोल्ट देगा। एसी से पहले हम डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हम डीसी पे इसको टेस्ट कर सके, फिर डीसी से हम एसी लेंगे और उसके ऊपर कोई ना कोई लोड चला के टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके साथ इसकी वायर्स वगैरह अटैच कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो है इनपुट के ऊपर वायर्स लगा लिए हैं। आपको यहाँ पर सही नज़र ना आए तो मैं दूसरी पीसीबी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 300 वोल्ट इन है और यहाँ पर 200 वोल्ट आउट है। उसके बाद यहाँ पर जमा और माइनस 12 वोल्ट की भी है, क्योंकि हमने इसको 12 वोल्ट भी देने होते हैं ताकि हमारा जो सर्किट है वो बेहतरीन तरीके से काम करे। तो उसके बाद हमने इनपुट तो दे लिया, उसके बाद आउटपुट के लिए हम इसके साथ जो अटैच कर लेते हैं कोई भी इसके लिए सॉकेट, ताकि हम इसके ऊपर कोई भी जो है एसी अप्लायंसेस चलाकर चेक कर सकें और इसको टेस्ट कर सकें आखिर ये सही काम कर रही है या नहीं। तो लीजिए जी, आउटपुट के लिए सर्किट भी लगा लिया। उसके बाद बारी आ चुकी है इसके साथ बैटरी कनेक्ट करने की, तो मेरे पास ये आ चुकी है छोटी मिनी 12 वोल्ट की बैटरी। तो इसको भी हम इसके साथ अटैच करके इसको कर देंगे पावर ऑन, ताकि हमें पता चले हमारा सर्किट ऑन है या नहीं। तो इसको भी मैं जल्दी से अटैच कर लेता हूँ। तो लीजिए जी, मैंने इसको लगा दिया है और जैसे लगाया आप देख सकते हैं इसके अंदर पावर ऑन हो चुकी है एलईडी, और इसके अंदर पावर आ चुकी है। इसका 12 वोल्ट बैटरी का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो आईसी वगैरह लगे हुए हैं उनको पावर देने के लिए 12 वोल्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हम डायरेक्ट जो है 12 वोल्ट नहीं ले सकते। इसलिए इसके साथ एक छोटी मिनी बैटरी या कोई भी चार्जर भी आप इसके साथ लगा सकते हैं, जिससे इसको 12 वोल्ट मिल जाएंगे। अब ये हमारा सर्किट तकरीबन कम्प्लीट हो चुका है। सबसे पहले हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, फिर हम इसे चला के चेक करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर आ चुका है दोस्तों मीटर। तो यहाँ पर हम वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे, पहले हम डीसी वोल्टेज चेक करेंगे आखिर हमारे कितने डीसी वोल्टेज आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर स्विच लगा दिया है 220 वोल्ट में। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले डीसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं, इसके मैं 1000 पे कर देता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं आप 295 वोल्ट हमें डीसी आउटपुट के ऊपर मिल रहे हैं, यानी कि 300 वोल्ट के लगभग हमें जो है आउटपुट पर मिल रहे हैं। मैं दोबारा लगा के दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं 295 वोल्ट जो है हमें मिल रहे हैं। उसके बाद हम एसी पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके साथ दोबारा लगाता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट पे हमें जो है एसी वोल्टेज हो रहे हैं। अगर मैं पोलैरिटी इसकी सीधी करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोलैरिटी सीधी होने पे भी 300 वोल्ट है और पोलैरिटी उल्ट होने पे भी 300 वोल्ट है, यानी कि यहाँ पर हमें एसी वोल्ट आउट पर मिल रहे हैं। तो अब इसको कर देते हैं मीटर को साइड पर, इसके ऊपर अब कोई ना कोई लोड चला कर भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं आखिर क्या क्या लोड हम इसके ऊपर चला सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों, सबसे पहले टेस्ट करने वाले हम इसके ऊपर एलईडी बल्ब को, कि आया एलईडी बल्ब इसके ऊपर चल रहा है या नहीं। तो ये बहुत से लोग ये भी पूछेंगे भाई बॉक्स के अंदर क्या है। ये बॉक्स के अंदर मैंने एक जो है बल्ब रखा है 60 वाट का, क्योंकि मैंने सीरीज वायर बनाई है। अगर कोई मसला मसाइल होता है, चलो शॉर्ट होने से हमारा जो है सर्किट बच जाएगा, तो शॉर्ट होने से बचाने के लिए मैंने इसके साथ एक सीरीज में एक बल्ब लगाया हुआ, ताकि हमें कोई नुकसान ना हो या हमारे सर्किट को कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलईडी ग्लो हो रही है। अब मैं इसके ऊपर यहाँ पर बल्ब लगा कर टेस्ट करता हूँ आखिर ये चलता है या नहीं, क्योंकि ये एसी बल्ब है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये बेहतरीन तरीके से दोस्तों इसके ऊपर चल रहा है। और आप देख सकते हैं इसके ज़रिए आप सर्किट के ज़रिए कोई भी जो है 1500 से 1200 तक की वाट की कोई भी प्रोडक्ट इसके ऊपर चला सकते हैं। तो अब बारी आ चुकी है इसके ऊपर चलाने की कोई बड़ी प्रोडक्ट, वो भी चला के चेक कर लेते हैं। तो बड़ी प्रोडक्ट अभी मेरे पास यहाँ पर है जी एक ड्रिल मशीन, क्योंकि अभी मैं इसको डीसी वोल्टेज आपको बताया 220 वोल्ट से दे रहा हूँ। तो आप इसे डीसी वोल्टेज के लिए आपको इसके साथ कम से कम 1200-1500 वाट तक के पैन
पैनल लगाने पड़ेंगे ताकि उनके वोल्टेज 250-300 वोल्ट तक चले जाएँ, और उसके बाद उनके जो इतने वाटेज होंगे उसकी वजह से आपका लोड इसके ऊपर चल सकेगा। तो अभी मैं इसके ऊपर ये ड्रिल मशीन चला के दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले आखिर कन्वर्जन के दौरान ड्रिल मशीन भी सही काम कर रही है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये भी बड़े बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। और उसके बाद अब हम इसकी भी वायर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा हमारे सर्किट ने जो है बड़ा बेहतरीन तरीके से काम किया, और इसके ज़रिए आप मुकम्मल जो है 1200-1300 वाट तक का आसानी से लोड चला सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का जो है आपको ये माइक्रो इन्वर्टर के ऊपर सर्किट पसंद आया होगा। उसके ज़रिए आप मुख्तलिफ किस्म का लोड चला सकते हैं जो कि आप DC को AC में कन्वर्ट कर सकते हैं। असल में इस इन्वर्टर का सिर्फ काम यही है कि ये DC वोल्टेज को AC वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, और इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। बहुत से लोग जो है इसको बनाकर यूज़ भी कर सकते हैं। इसका जो है PCB जो है आप इसको चाइना से मंगवा सकते हैं, GLC PCB से ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाएंगे तो आपको कूपन भी मिल जाएगा और फ्री PCBs भी आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद है इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियो आती रहेगी, और अच्छी अच्छी प्रोजेक्ट के ऊपर आती रहेगी, PCBs और नई आती रहेंगी और उनके ऊपर वीडियोज़ आती रहेगी। दूसरा तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियो का पता चलता रहे। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।